अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फ़ाइज़ा वसीम। एक और न्यू वीडियो में सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस की आप सब लोग को वेलकम करती हूँ। और इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट ISO 9001:6 स्टैंडर्ड्स के बारे में। हमें पता है कि हमारे पास ISO जो ISO है क्या, बेसिकली ISO इज़ एन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। डिफरेंट पर्सपेक्टिव से डिफरेंट चीज़ों के लिए वो कुछ स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड करती है, और अगर आपके वो स्टैंडर्ड्स फुलफ़िल हो रहे होते हैं तो आपका जो प्रोडक्ट है वो ISO सर्टिफाइड प्रोडक्ट कहलाता है। तो इसी तरह से अगर हम लोग सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस की बात करें, तो क्वालिटी सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को समझने के लिए, सॉफ्टवेयर जो हमारा है वो क्वालिटी सॉफ्टवेयर है, यानी उसके लिए ISO ने हमें कुछ स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड किए हैं, और उन स्टैंडर्ड्स को हम कहते हैं ISO 9001:6 स्टैंडर्ड्स। यहाँ पर आप स्टेटमेंट देख सकते हो, द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट इवेल्यूशन ISO 9001:6 रिलीज्ड इन 1991 लिस्ट सिक्स की फैक्टर्स दैट आर इंपॉर्टेंट इन द प्रोडक्शन ऑफ क्वालिटी सॉफ्टवेयर। आपके किसी भी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट के अंदर अगर क्वालिटी है या नहीं, उसको देखने के लिए आपको ये सिक्स फैक्टर्स देखना पड़ता है। ISO ने 1991 में ये आपको की फैक्टर्स जो है वो इंट्रोड्यूस करवाए थे, और इसका नाम हमने रखा ISO 9001:6 स्टैंडर्ड्स। ओके, ये स्टैंडर्ड्स कौन कौन से हैं? फंक्शनैलिटी, रिलायबिलिटी, यूजबिलिटी, एफिशिएंसी, मेंटेनेबिलिटी एंड पोर्टेबिलिटी। इनका सेपरेटली मीनिंग देख लेते हैं, और देख लेते हैं कि व्हाट इज़ द कंसेप्ट बिहाइंड फंक्शनैलिटी, रिलायबिलिटी, यूजबिलिटी एंड सो ऑन। ओके, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ आए हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, देयर हैज़ बिन इंटरनेशनल कोलैबोरेशन अमंग एक्सपर्ट्स टू डिफाइन अ जनरल फ्रेमवर्क फॉर सॉफ्टवेयर क्वालिटी। एन एक्सपर्ट ग्रुप अंडर द एजिस्ट ऑफ ISO स्टैंडर्ड्स अ सॉफ्टवेयर क्वालिटी डॉक्यूमेंट्स नेमली ISO 9001:6 विच डिफाइन सिक्स ब्रॉड इंडिपेंडेंट कैटेगरीज ऑफ क्वालिटी करेक्टरिस्टिक्स एज फॉलोज। ISO 9001:6 ने जो हमें स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड किए सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को देखते हुए, अब हमें कैसे पता चलेगा कि कोई भी सॉफ्टवेयर है वो क्वालिटी प्रोजेक्ट है या नहीं? अगर हम जनरल स्टैंडर्ड्स की बात करें तो उसमें हमारे पास ये सिक्स फैक्टर्स मौजूद होने चाहिए। सबसे पहले है हमारे पास फंक्शनैलिटी। फंक्शनैलिटी का मतलब क्या है? अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स दैट बेयर्स ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ अ सेट ऑफ फंक्शंस एंड देयर स्पेसिफाइड प्रॉपर्टीज। द फंक्शंस आर दोज दैट सेटिस्फाई स्टेटेड और इम्प्लाइड नीड्स। इसका मतलब ये, क्लाइंट ने हमें जो जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स बताई हैं और जो जो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स बताई हैं, वो सभी हमारे सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट के अंदर अवेलेबल होने चाहिए। जो हमारा सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट है वो फुली फंक्शनल होना चाहिए। फुली फंक्शनल मीन्स उसमें फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स भी कम्प्लीट फुलफ़िल हो रही हों एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स भी फुलफ़िल हो रही हों, ठीक है। रिलायबिलिटी मीन्स अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स दैट बेयर्स ऑन द कैपेबिलिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर टू मेंटेन इट्स परफॉर्मेंस लेवल अंडर स्टेटेड कंडीशन फॉर स्टेटेड पीरियड ऑफ टाइम। आप सिंपल वर्ड्स में ये कह सकते हो कि अगर फॉर एग्जाम्पल आपके सॉफ्टवेयर सिस्टम में एक एरर आ गया, तो उसने कितना जल्दी खुद को रिकवर करने की कोशिश किया, कितना कम अमाउंट ऑफ टाइम में, ठीक है, क्लियर हुआ। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो फीचर है वो है यूजबिलिटी। अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स दैट बेयर्स ऑन द एफर्ट नीड्स फॉर यूज़ एंड ऑन द इंडिविजुअल असिस्मेंट ऑफ सच यूज़ बाई स्टेटेड और इम्प्लाइड सेट ऑफ यूजर्स। यूजबिलिटी मीन्स के हाउ मच इट इज़ ईजी फॉर द यूज़र टू यूज़ द सिस्टम। आपका यूज़ आपका जो सिस्टम फाइनल प्रोडक्ट आपको मिला है, जो फाइनल सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट आपको कंपनी की तरफ से बना कर दिया गया है, वो कितना ज़्यादा यूज़र के लिए यूजबल है, कि वो उसको कितना ईजिली उसको यूज़ कर सकता है, कितना ईजी टू यूज़ है, कितना ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल है, कितना ज़्यादा लर्नेबल है, कितना ज़्यादा ऑपरेटेबल है, ये आप कह सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वालिटी एट्रीब्यूट की तरफ चलें तो वो है हमारे पास एफिशिएंसी। अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स दैट बेयर्स ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन सॉफ्टवेयर परफॉर्मेंस एंड द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज एंड अंडर द स्टेट यूज्ड अंडर द स्टेटेड कंडीशंस। एफिशिएंसी मतलब क्या, ठीक है, अंदर हमारे पास दो चीज़ें आती हैं, परफॉर्मेंस एंड टाइम। आप कह सकते हो रिसोर्सेज एंड टाइम, कितने नंबर ऑफ रिसोर्सेज हमारा प्रोडक्ट यूज़ कर रहा है और कितना नंबर ऑफ टाइम वो कंज्यूम कर रहा है, कितने रिसोर्सेज को लेते हुए वो काम कर रहा है। जितने ज़्यादा रिसोर्सेज कंज्यूम करेगा, इट मीन्स के हमारे कॉस्ट ज़्यादा लग रही है, और जितना टाइम ज़्यादा कंज्यूम करेगा, इट मीन्स के हमारा टाइम ज़्यादा लग रहा है। तो आपकी परफॉर्मेंस कैसे मेजर की जाती है, आपका जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है वो कितना ज़्यादा रिलायबल है, वो देखा जाता है कि कितनी कम नंबर ऑफ रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए, कितना कम टाइम लेते हुए वो आपकी सभी फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल कर रहा है। Maintainability means a set of attributes that bears on the effort needed to make specified modifications,
which may include correctness, improvements or adaptations of software to environmental changes and changes in the requirements and functional specifications. Maintainability, अगर हम simple maintain का word देखें तो maintain means क्या? किसी भी चीज़ को maintain करना, उसमें आप ये कह सकते हो कि अगर हमारे सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो आप उसको मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हो, कुछ एट्रीब्यूट्स इधर उधर हो गए उनको मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हो, मतलब हाउ मच इट इज़ ईजी फॉर द यूज़र टू मेंटेन द सिस्टम. इसमें हमारे पास डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं लाइक एनालाइजेबिलिटी, चेंजेबिलिटी, स्टेबिलिटी, टेस्टेबिलिटी, ये सब आप चीज़ें आपकी मेंटेनेबिलिटी के अंदर आती हैं. ठीक है, पोर्टेबिलिटी की बात करें तो अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स दैट बेयर्स ऑन द एबिलिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर टू बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन एनवायरमेंट टू अनदर. आपका सिस्टम कितना कैपेबल है कि वो एक एनवायरमेंट में काम करते हुए दूसरे एनवायरमेंट में भी एडजस्ट हो सकता है. अगर आपने उसको पोर्टेबल, अगर आपका सिस्टम पोर्टेबल है, एक एनवायरमेंट में काम कर रहा है, अगर आपने उसको ट्रांसफ़र कर दिया फ्रॉम वन एनवायरमेंट टू अनदर एनवायरमेंट, तो अब वो क्या वहाँ पर आप कह सकते हो कि रिलैक्स फील कर रहा है वहाँ पर? क्या उसने उसको अडेप्ट किया है? क्या वो उस एनवायरमेंट को ठीक तरह से अपने, क्या उस एनवायरमेंट में भी वो सिस्टम उसी टाइप से परफॉर्म कर रहा है जैसे कि पहले कर रहा था? हाउ मच इट इज़ ईजी फॉर द सिस्टम टू अडेप्ट दी अनदर इन्वायरमेंट. तो इस तरह से आप पोर्टेबिलिटी को डिफाइन कर सकते हैं. इसमें जो हमारे पास डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं वो है अडेप्टबिलिटी, इंस्टॉलेबिलिटी, कन्फॉर्मेंस, रिपीटेबल, रिप्लेसिबिलिटी एक्सेट्रा. ओके, तो इस वीडियो में हमने ISO 9126 स्टैंडर्ड्स को देखा है. अब यहाँ पर देखो, आप ये देख सकते हैं हमारे पास डिफरेंट चीज़ें और क्वालिटी करेक्टर सब करेक्टरिस्टिक्स हैं. ये हमारे पास क्वालिटी करेक्टरिस्टिक्स हैं लाइक फंक्शनैलिटी, रिलायबिलिटी, यूजबिलिटी, एफिशिएंसी, मेंटेनेबिलिटी एंड पोर्टेबिलिटी. इसके अंदर जो हमारे पास सब क्वालिटी आप कह सकते हो क्वालिटी सब करेक्टरिस्टिक्स हैं वो कौन कौन से हैं? फंक्शनैलिटी के अंदर सूटेबिलिटी, एक्यूरेसी, इंटरऑपरेटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी. रिलायबिलिटी के अंदर कौन कौन से हैं? मेच्योरिटी, फॉल्ट टॉलरेंस, रिकवरेबिलिटी. ठीक है, यूजबिलिटी की बात करें तो इसमें हमारे पास है अंडरस्टैंडेबिलिटी, लर्नेबिलिटी, ऑपरेटिबिलिटी. एफिशिएंसी की बात करें तो इसमें आ गया टाइम बिहेवियर, रिसोर्स बिहेवियर. मेंटेनेबिलिटी में आती है हमारे पास एनालाइजेबिलिटी, चेंजेबिलिटी, स्टेबिलिटी एंड टेस्टेबिलिटी. और पोर्टेबिलिटी की बात करें तो इसमें आ जाती है अडेप्टबिलिटी, इंस्टॉलेबिलिटी, कन्फॉर्मेंस एंड रिप्लेसिबिलिटी. ओके, अगर हम इनको सेपरेटली डिफाइन करें तो यहाँ पर डेफिनेशंस हमारे पास हैं. डेफिनेशंस आप इंटरनेट पर सर्च करोगे आपको बहुत सारी मिल जाएंगी, लेकिन इनको सिंपल वर्ड्स में आपने कैसे डिफाइन करना है तो वन बाय वन देखना है. देखो, सूटेबिलिटी मींस द कैपेबिलिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर टू प्रोवाइड एन एडिक्वेट सेट ऑफ फंक्शन फॉर स्पेसिफाइड टास्क एंड यूजर ऑब्जेक्टिव्स. क्या जो हमें रिजल्ट्स मिल रहे हैं, जो हमारे फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही हैं, वो सूटेबल भी हैं कि नहीं यूज़र के लिए? एक्यूरेसी मीन्स द कैपेबिलिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर टू प्रोवाइड द राइट और एग्रीड अपॉन रिजल्ट्स और इफेक्ट्स. मतलब जो हमारे फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स के रिजल्ट्स आ रहे हैं, क्या वो एक्यूरेट भी हैं या नहीं? इंटरऑपरेटिबिलिटी मीन्स द कैपेबिलिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर टू इंटेंड विथ वन और मोर स्पेसिफाइड सिस्टम. क्या आपका सिस्टम इंटरऑपरेटिबल है या नहीं? इन चीज़ों को आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हो. सिक्योरिटी मीन्स कि आपका सिस्टम कितना ज़्यादा सिक्योर है कि कोई और बंदा, कोई हैकर आपके सिस्टम को नुकसान तो नहीं पहुंचा सकता. आपका सिस्टम कितना ज़्यादा मेच्योर है. फॉल्ट टॉलरेंस मीन्स द कैपेबिलिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर टू मेंटेन अ स्पेसिफिक लेवल ऑफ परफॉर्मेंस. आपका सिस्टम कितना कैपेबल है कि वो अपनी परफॉर्मेंस को मेंटेन किया हुआ है. ठीक है, रिकवरेबिलिटी मीन्स अगर आपके सिस्टम में कोई चीज़ आ जाती है, कोई एरर आ जाता है, कोई फॉल्ट या फेलियर आ जाता है, तो वो कितना जल्दी उसको रिकवर कर सकता है. इसी तरह अंडरस्टैंडेबिलिटी मीन्स हाउ मच इट इज़ ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड द सिस्टम. आपके लिए आपका सिस्टम कितना अंडरस्टैंडेबल है, कितना आपका सिस्टम लर्नेबल है. हाउ इज़ इट फॉर यू टू लर्न द सिस्टम. हाउ इट इज़ ईजी फॉर यू टू ऑपरेट द सिस्टम. ठीक है, इन चीज़ों को आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हो. टाइम बिहेवियर मीन्स कितना टाइम आपके आपका सिस्टम ले रहा है किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए, कितने रिसोर्सेज को यूज़ कर रहा है वो किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए, उसकी रिसोर्स यूटिलाइजेशन कितनी है. एनालाइजेबल कितना है आपका सिस्टम, मतलब हाउ मच इट इज़ ईजी फॉर यू टू एनालाइज द सिस्टम. इसी तरह से अगर हम चेंजेबिलिटी मीन्स कि आपका सिस्टम कितने आसानी से अपनी चीज़ें चेंज कर सकता है, कितना स्टेबल है, कितना टेस्टेबल है, कितना ज़्यादा अडेप्टेबल है, ये सब चीज़ें आप यहाँ पर इनको रीड आउट कर सकते हो.
तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मिक कॉल्स क्वालिटी फैक्टर्स की, जिस तरह से हमें ISO 9126 ने कुछ क्वालिटी करेक्टरिस्टिक्स प्रोवाइड किए हैं, इसी तरह से हमें मिक कॉल्स ने भी कुछ क्वालिटी फैक्टर्स एंड आप कह सकते हो क्वालिटी करेक्टरिस्टिक्स प्रोवाइड किए, वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में हमने जस्ट बात की है अबाउट द 9126 क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के बारे में। आई होप दिस वीडियो इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो से रिलेटेड अपना फीडबैक प्रोवाइड कीजिएगा, वीडियो से रिलेटेड कोई डिफिकल्टी कोई प्रॉब्लम है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड कर सकते हैं। वीडियो से रिलेटेड कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप हमें देना चाहते हैं तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।